तीन बड़े स्टॉक्स भी समझ लेते हैं। पूजा आज हमारे लिस्ट कंपाइल करके लाई है। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत सबसे पहले अजंता फार्मा के स्टॉक से करेंगे। यहाँ पर कल आपको याद होगा कि 4.5% की तेजी थी और प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील में कल करीब 4.5% हिस्सेदारी बेची। आज सामने जो खरीदार थे उनकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और टीचर फंड जैसे बड़े निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि घरेलू निवेशकों में मिराय म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का भी नाम शामिल है और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और ABSL म्यूचुअल फंड ने भी पर हिस्सेदारी खरीदी है। अब आते हैं ग्रैनुल्स इंडिया पर। मुकेश सुराना की 30 दिसंबर से CFO के तौर पर नियुक्ति है। ये इसलिए भी बड़ा नाम है क्योंकि कल्पतरु पावर और एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों के बड़े पद पर ये रह चुके हैं और फिलहाल गरवारे टेक्निका फाइबर के CFO हैं। इसके अलावा ग्रैनुल्स इंडिया की ग्रीन केमिकल्स के उत्पादन के लिए नया प्लांट लगाने की भी योजना है। आखिर में बात करते हैं सुवेन फार्मा की। यहाँ पर CI खरीदने की दौड़ में एडवांट इंटरनेशनल सबसे बड़ी प्रबल दावेदार मानी जा रही है और ब्लैक रॉक ने इसके लिए बाइंडिंग ऑफर भी जमा कर दिया है। करीब 6,000 करोड़ में 70% हिस्सेदारी बिक्री होने की संभावना है, जिसमें कि एडवेंट की करीब 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना है। तो ये तीन स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे के सारे शेयर्स त्रिमूर्ति सेगमेंट में हमारे साथ शेयर करने के लिए। अजंता फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया और साथ ही यहाँ पर सुवेन फार्मा, क्लियरली फार्मास्यूटिकल स्पेस है जो कि इस वक्त त्रिमूर्ति सेगमेंट में भी और कल भी फार्मास्यूटिकल स्पेस से ही एक्शन हमने देखा था फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन अजंता फार्मा पर संतोष आपसे राय जानना चाहेंगे क्योंकि स्टॉक में कल मूवमेंट थी, प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील में कल 4.5% हिस्सेदारी बेची है, लेकिन इंटरेस्ट किसने दिखाया? इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इंटरेस्ट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टीचर फंड्स जैसे निवेशक हैं जिनका नाम यहां पर आता दिखा, घरेलू निवेशकों में मिराय म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स भी शामिल रहे। करीब 4-4.5% का एक्शन अजंता फार्मा के स्टॉक में कल हमने देखा था। यस, अजंता फार्मा की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा और फंडामेंटली भी फार्मा स्पेस में जो डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा कंपनीज है वो अच्छा कर रही है, लाइक सिप्ला एंड अजंता फार्मा। तो यहाँ पे 1140 एक बहुत अच्छा बेस था, वहीं से इसमें बाइंग देखने को मिली, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं ऊपर। हालांकि इमीडिएट बेसिस पे 1260 से 1280 एक सप्लाई जोन है, वहाँ थोड़ा सा अटक सकता है, लेकिन जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर से इसमें 1420 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग की बजाय इसमें थोड़ा सा लंबा व्यू रख के इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता फार्मा में जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। आदिया आया है, मीरे MF, ICICI प्रूफ वगैरह, और ये पूरा ब्लॉक ओवर सब्सक्राइब हो गया था हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग, उसके बाद स्टॉक 5% ऊपर बंद हुआ है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये सुविन फार्मा पे क्या व्यू आ रहा है रत्नेश? सुविन देखिए जरा, वो भी एक एक्विजिशन टारगेट है। सुविन फार्मा में देखिए तो अजय जी काफी अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, बेस तैयार हो चुका है इसके लिए, नीचे स्तर पर हमको वॉल्यूम भी देखने को मिला है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल चुका है और जो प्रीवियसली अपना हाई था सेप्टेम्बर का उसके लगभग आ चुका है, तो इसमें एक अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 500 रुपए के बाद में इसमें एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है जो कि 550 तक के लिए जा सकती है, करीब करीब 10% का मूवमेंट यहां से आ सकता है, तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें 480 रुपए का, और थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के नजरिए से अगर खरीदी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये स्टॉक काफी थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर चलता है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से इसमें नजरिया रखें तो खरीदारी का 10-15% का रिटर्न इसमें मिल सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें फेवर में बैठता है।